से पाया पड़ता हूँ, प्लीज यहाँ से जाओ। और एक्टिंग तो कर, चलो आ जाओ। भाई मैं आपके साथ रह सकता हूँ ना? लीजन के चौराहे पे आओ सब लोग। भाई मैं आपके साथ रह सकता हूँ ना? जी और उन्होंने मुझे मारा भी, हॉस्पिटल आए, उन्होंने मुझे मारा भी पंडा ने, और डैनी देख रहा था, बट मैंने कुछ नहीं किया। और वो मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना, उसको भी वो कुछ ना कुछ बोल रहा था। आपके गर्लफ्रेंड पे मैं आता हूँ, आप पहले यहाँ पे आओ। क्या मैं वो मेरे होने वाले ससुर को फोन करूँ? मुफा क्या है, आपको कुछ उनसे बात करनी है तो? नहीं, मुझे पहले बात बताओ, आपने किससे पूछ के अपनी शादी फिक्स कराई है? क्या मैं था शहर में? नहीं, मैं आप शहर में नहीं थे, आप थोड़ा मीटिंग के वजह से बाहर गए थे। एक्चुअली सीन ऐसे हुआ कि हम दोनों बहुत महीनों से जानते हैं एक दूसरे को। शहर में आके 15 दिन नहीं हुए, तुम दोनों महीनों से जानते हो एक दूसरे को? मैं तो कभी देखा नहीं कि पिछले हमारे शहर में टिकलू नाम की कोई लड़की थी, तो तुम एक दूसरे को इतना ज्यादा गहराई में कैसे जानने लग गए कि तुम शादी करने का डिसीजन ले बैठे? एक्चुअली सीन ऐसा हुआ कि मैं मतलब उसके साथ रह के उसके प्यार में पागल हुआ, और आज सीन ऐसा है भैया कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं क्या करूं, मुझे नींद नहीं आती, रात भर उसके मतलब फोटो देखता हूँ, उसके मैसेजेस जितने किए वो पढ़ता हूँ, नींद नहीं लगती। ऐसा लगता है कि कब मतलब वो मैं उसे मिलूंगा कल सुबह, और कल मैं उसे बाहर घूमने लेके जाऊंगा। मैं नहीं रह सकता के बीच में, नहीं रह सकता भाई, नहीं रह सकता। आप बाहर थे, मीटिंग में थे, मैं क्या करूँ, मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। क्या करूँ, मुझे अंदर से प्यार हुआ था, अंदर से, और मेरा प्यार पूरा अंधड़ा है, अंधड़ा, आप समझ लो मेरी बातें। लेकिन आपका प्यार अंधड़ा है, लेकिन एक पल भी आपको नहीं लगा कि आप एक बार मुफासा को पूछो कि क्या मुफा ये लड़की हम अपने घर में ब्याह करके ला सकते हैं कि नहीं? एक्चुअली मैं डर रहा था कि मैं कैसे बताऊं, और मुझे मतलब ये भी मुझे डर महसूस हो रहा था कि ये बात भाई को जब समझेगी तब मेरी तो काम 25, मतलब मेरी तो वो कुछ भी कर सकता है। भाई बहुत दिमाग से डेंजर है, ये सब सोच के मैंने मतलब कुछ दिमाग ही नहीं चला। लेकिन बोलूंगा कि मुझे इस बात से ऐतराज़ है, तुम्हारे रिश्ते से ऐतराज़ है, तो तेरा रिस्पॉन्ड क्या होगा? अब भाई जो बोलेगा मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं उसकी सुनूंगा। तो अगर मैंने बोला कि आज से टिकलू से तुम्हारे सारे रिश्ते नाते खत्म, तो क्या रिश्ते नाते खत्म करोगे? करना पड़ेगा मुफा, करना पड़ेगा। तो अभी क्या, अभी कॉल कर उसको और टिकलू को बोल आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, तेरे लाइफ में मैं कभी नहीं आऊंगा। 5 दिन के लिए वो बाहर गई है, तो वो 5 दिन के बाद आने वाली है। तो तेरे ससुर को कॉल कर होने वाले, और उसको बोल कि अब मैं तेरा क्या कहते हैं उसको, रे दामाद, तेरा जवाई नहीं है, जवाई नहीं हूँ, ला कॉल दामाद बोलते हैं, दामाद। तू तेरा और तेरे ससुर से बात कर, मुझे बात मत कर, कुत्ते बोल। ये जैसे तुम गए ना तब से मुझे कुत्ते गंदे लीजन के बीच में जो गार्डन है नल्ले, वहां पे आ, इतना बार पूछ रहा है, जल्दी आ। ओके ओके, डरने के लिए क्या करना पड़ता है? रुक मामू, प्रोफेसर लीजन के सामने, परफेक्ट लीजन के सामने जो गार्डन है, गार्डन। हेलो हेलो हेलो, लीजन के सामने जो गार्डन है, जिधर बैठने का जगह है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे घूमने आते और कपल बैठने आते बातचीत करने, वहां पे आ जाओ, मेरा भाई खड़ा है, और ये 4-5 लोग लेके आओ, कभी भी तुमको, हाँ से नहीं, अभी मुझे रिश्ता तोड़ना है, कट किया। 15 मिनट से देख रहा हूँ ये मामा क्या खा रहा है, क्या खा रहा है। मारा मारी मत करो, एक ही फाइट, ज्यादा नहीं मारा मारी मत,
ये देखो आए आए आए, अरे सॉरी मेरा मारा मारी तो... मत करो। नमस्कार चर्चे की बातें हुई क्या? नमस्कार नमस्कार मुफस्सिल जी, आप इनके होने वाले ससुर जी हो? हाँ मतलब इन शॉर्ट इतने जवान ससुर? यस मतलब ससुर मतलब मैंने बेटी सर एडॉप्ट की। बाप रे, और आपने एडॉप्ट की हुई बेटी के लिए इनको कुछ चैलेंज दिया था ना पैसा जमाने? हाँ, का टास्क दिया था एक शॉट। तो आपको पता है इन्होंने पैसा जमाया कि नहीं? सर मेरे को कुछ चीज कान पे आई है कि इन्होंने मतलब पैसा किसी तरह लिया भाई। ये देख इन्होंने पैसा यहाँ वहां से मांग के लिए, ऐसी आपको न्यूज मिली है? हाँ, घनश्याम जी क्या ये बात सही है? मुफस्सिल जी उसका मेरे पास प्रूफ भी। कला बाजार कुत्ते भोके हजार, जब मेरे हाथ में इनकी लड़की है तो सबकी हो रही है जलन। जो भी इनको फोन करके बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो दामाद है होने वाला वो सबके पास से पैसा लेके आपको दिखाने वाला है, ऐसी अफवाह फैला दी गई है। मुफासा जी तुम्हें पता है जब मुझे कोई कुछ चैलेंज या टास्क देता है तो फिर मैं मेहनत से और जेन्युइनली करता हूँ। अभी इन देखो ये हंस रहा है, इसको चुप बैठो मुफा, सिर्फ हमारी बात चल रही है। मामा को बोलो शांत बैठो, मामा तो पहले से जल रहा है, बहुत पास आ रहा है जलने का। क्यों जलो? मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा सर, आपका क्या इस चीज पे टिप्पणी क्या है आपकी कि घनश्याम ने? मेरा ये कहना है कि सर इन्होंने मतलब जिनसे पैसे लिए थे ना उन्होंने खुद ने कबूल किए कि हमने इतने इतने पैसे दिए। लेकिन क्या इन्होंने धमकी दे के लिए थे? इन शॉर्ट हाँ। घनश्याम जी क्या आपने धमकी देके पैसे लिए थे? मुझे मैं ज्यादा देखो मैं ज्यादा बात करता नहीं, मैं कम बात करता हूँ। जिनसे लिए हैं पैसे उनको यहाँ पे पेश किया जाए और आपका जो भी है वो इनके सामने दिखा दिया जाए। मुफाज के सामने बुला उनको। सर पीटर वो है क्या अभी? हाँ बोल ना, किसको बुलाने का? उन दोनों को, दोनों को और नन्हे को भी बुला। मुझे इतना ही कहना है कि ये जो 5 लाख वगैरह जो मांगे हाँ, वो गलत बात है। मांगे नहीं मैं सर, सर मैंने खुद के लिए नहीं मांगे सर। तो इनको मैंने बस टास्क दिए, वो पैसे उनके पास ही रहेंगे। अच्छा मैंने तो बस आपको ये क्या फायदा है उससे? फायदा ये है कि मैं समझूंगा कि ये मेरी बेटी के। मैं वो मैटर में था, क्यों मैं बोल सकता हूँ कुछ? बोलिए बोलिए पंड्या जी, आपको टाइम है क्या बोलने को या और 2-3 सिगरेट दूं? 8,000 दिए, 1,000 अबे ए ए अनपट अनपट ए अनपट मामा, कल से बंड्या मामा नहीं, कल से अनपट अनपट मामा होगा। और मैं भी तुझे बोलूंगा घनश्याम धरसोड़े नहीं, भिक्ख मांगिया धरसोड़े। हाँ मैं भिक्ख मांगता, मैं भिक्ख मांग के ही बड़ा हो गया हूँ बस। और आगे धरसोड़े लोगों के सामने अपने एक दूसरे की इज्जत में निकलते हाँ जो टॉपिक है वो करते। वही, मुझे वही, बात वही। बनाओ मुझे बात बताओ कि हाँ। मुझे बात बना, अरे कौन सी बात बोलू? अरे गणेश जी आप आपका टॉपिक क्लोज करो पहले, बाद में मैं ये मत दोनों को पाया चाकू निकलवा। अपने सामने सबके सामने अपने फैमिली की इज्जत मत उतारो, अपना लेन देन का जो भी है वो हम। एक बोलता हूँ गरुड़ा गरुड़ा, एक बोलता हूँ ये जो मुफासा ने इसको जो लाया है ना उठके वो सामने वाले डब्बे से, तब से घर में अशांति फैली है ये बात। और घर में उसने हर एक चौराहे का मिलके जो एक भिखारी बनता है वो बनाया घनश्याम। मैं तो भीख मांगता हूँ क्योंकि पेट 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 के लिए। अरे मुझे, तेरा सुनो तेरा सुनो मुफा, मैं सिर्फ भीख, एक मिनट भीख इसलिए मांगता हूँ। तेरा भाई इतना बड़ा शहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तू क्यों भीख मांगता है? एक मिनट मुफा, इनके कहने पे अरे किसने उठा के लेके गए? जी सर आया तो मार डालो ना मुफस्सिल जी। हाँ मुद्दे का बात करते हैं मुफस्सिल जी। जी थैंक यू, बोलिए। देखो अभी जो सीन हुआ था, मतलब मेरे को पता चला कि इन्होंने लोगों से पैसा लिया, ठीक है? तो वो दो व्यक्ति, ये अपना एक अपना आपको कोटे और दूसरे सिनो ये, ठीक है जी, इन दोनों ने मुफस्सिल जी इनको पैसा दे दिया। और पैसे के अमाउंट देखो, पूछ लो इनको कि कितना दिए उन्होंने। अप्पू जी पैसे हमने वापस ले लिए आपसे, इन्होंने पैसे मांगे थे? मांग
किस चीज के लिए मांगे नहीं थे, उन्होंने पैसे मांगे नहीं थे, उन्होंने मांगे नहीं थे, तो मतलब हमने उनसे एक ये किया था, डील करी थी कि मतलब आप क्या, हम आपको पैसे दे देंगे, आपको जरूरत है अभी तो, पर आपको हमें पीडीएम की दो नई गाड़ी देना पड़ेगा, तो मेहनत करो, तो हमें मतलब वो हमने फिर वो पैसा वापस लिया, हमें जरूरत थी। मतलब घनश्याम जी आपको बोले कि पीडीएम की आपको गाड़ी मिलेगी उसके बदले पैसे दो? नहीं नहीं, हाँ। नहीं घनश्याम जी नहीं बोले, हम बोले थे, हमने वैसे रखा। मतलब समझा नहीं, ठीक से समझाइए प्लीज। मैं बताता हूँ, देखो क्या हुआ कि मैं घनश्याम मतलब नहीं नहीं आपको मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। मुपासा जी बात ये हुई थी कि हम स्टार्टिंग से घनश्याम भाई के साथ घूम रहे थे और उनकी शादी वादी की बात चल रही थी, तो उनको भी पैसे की ज़रूरत थी, तो हमें ऐसा लगा कि चलो उनको पैसे की ज़रूरत है, हमारे साथ घूम रहे, तो हम उनको हमारा और आपको का बात हुआ और उनको हम डिसाइड किए कि हम घनश्याम भाई को अभी पैसे की ज़रूरत है तो दे देंगे, लेकिन उसके बदले एक अर्ट रखेंगे, उनके शादी के लिए पैसे नहीं देंगे, जब पीडीएम वगैरह खुलेगा तब घनश्याम भाई हमें पैसे के बदले दो गाड़ियाँ लेके दो, तो बोलेंगे ठीक है जब पीडीएम खुलेगा पहले तीन दिन में हम दो गाड़ियाँ देंगे आपको। मैं कुछ ऐसी बात बारे में, बट घनश्याम जी ये किस बुनियाद पे आपने बोला था कि आप गाड़ियाँ दोगे उनको? हाँ तो मैं अभी बहुत लोगों को बोला था और क्या, मतलब मैंने बोले थे मेहनत करेंगे। देखो मुझे एक बोलना है, एक एक जन बोलो, इज्जत निकालना है तो भी परमिशन लेके बोलो का मैं बोल रहा हूँ, बीच में ना ऐसे टोच मत डालो जैसे कि ये अनपढ़ मामा डाल रहा है, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ मुफा जी, मैंने पूछा था एक ओके, भीख मांग गया घर छोड़ा है, बाद में मैं क्या बोल रहा हूँ मुफा जी, मैंने ऐसा पूछा था कि वो बोले पीडीएम जल्दी चालू होने वाला है, तो मैं बोला ठीक है, तो इनको गाड़ी चाहिए थी तो ये बोले हमें अच्छी चाहिए, तो ये पैसा हमने कमाया ये रख लो और बाद में गाड़ी दे दो, ठीक है इनका पैसा बाजू में, बट मेरा खुद का ऑलरेडी पैसा है मेरे पास कमाने का, तो इनका पैसा इन्होंने क्यों लिया मुझे पता नहीं, ये आए मुझे बोले अरे बिजनेस रिलेटेड थोड़ा पैसा मिलने वाला है, तो मुझे ऐसा ऐसा हो जो गाड़ी दे लेने के लिए पैसा मैंने आपको दिया था वो रिटर्न करो, क्योंकि हमें उस बिजनेस में डालना है और दो दिन में उसका डबल होगा तब और ज़्यादा दूंगा ताकि बहुत अच्छी गाड़ी हम खरीद ले सके, तो इतना ही विषय हुआ। बट उसमें मेरे जो टास्क दिया था उसमें इनका पैसा मैंने इंक्लूड किया ही नहीं, ये बबलू जी आप कुछ भी क्यों बोल रहे हैं, मेरी इज्जत घलाना इतना ही काम आता है आपको मुझे लगता है? आप क्या मेरे ससुर बनोगे? आपकी लड़की मुझे नहीं चाहिए अभी तो, नहीं मुझे शादी नहीं करने आपके लड़की से। कांग्रेचुलेशन बबलू। हां थैंक यू मुफस्सिल जी। जी सर, इन्होंने जो कल हमारे सामने बात की है, ठीक है रिकॉर्डिंग के साथ हमारे पास है, ठीक है वो रिकॉर्डिंग ओके कि इन्होंने हमको बताया है कि मुफा अपने घनश्याम जी के पास जो 5 लाख है उसमें से 4,20,000 हमने दिए, ये रिकॉर्डिंग हमारे पास है मुफस्सिल जी। लेकिन फोन तो रिकॉर्ड होते नहीं है, तो आपने कहां से रिकॉर्ड किया? मोबाइल के कैमरे से? नहीं नहीं, इन दोनों ने कबूल किए मुफस्सिल जी, इनको पूछो फिर से। सर मैं बोलता हूँ ना, हमने दिए पैसे पर वापस भी लिए, वापस ले लिए ना पैसे। हाँ। तो हम क्या बोले थे कि घनश्याम जी को लेकिन हमने मुफस्सिल जी में एक बात को बोल सकता हूँ? हाँ मुझे एक बात बताओ, ये घनश्याम इनको गाड़ियाँ कहाँ से देने वाला था ये तो तू उसको पूछ। ने बोला ना सर आप थोड़े पीछे थे तब, लेकिन मामा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि इन्होंने घनश्याम ने जिनसे पैसे लिए वो पैसे का और ये ससुर जी को देने वाले पैसे का कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो वो टॉपिक ही नहीं आता। वही बोल रहा हूँ, पैसा पड़ा है भाई, पैसा पड़ा है, बहुत पैसा कमाया है और पैसा कमाऊंगा मैं। एक मिनट, उसको ससुर को पैसा देना ही नहीं था। हाँ, ये जाना था। 5 दिन में 5 लाख रुपए जमा करने की थी, ये 8 थी और तो मैंने 2 दिन में ही कमाया, तो दिखा मुफासा को 5 लाख रुपए। हाँ बस दिखा दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम हार गए। अरे नहीं नहीं मैं दिखा था, लेकिन मुझे भाई के लिए मुझे उनकी लड़की नहीं चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी है।